पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्रिकेट में तो अब गैप आ चुका है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से गुड न्यूज़ेस हैं मेरे पास। और आईसीसी ने अपनी आज नई रैंकिंग्स अपलोड की हैं टेस्ट क्रिकेट की, और उसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ेस हैं। सबसे पहले बाबर आजम की बात करें तो बाबर ऑलरेडी टॉप 10 में वापस आ चुके थे और वो नंबर 8 पर थे, लेकिन इन 3 मैचेस के बाद इन्होंने ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से रन्स किए और ऋषभ पंत को क्रॉस कर लिया। ऋषभ पंत जो कि काफ़ी बुरी फॉर्म थी उनकी अगेंस्ट इंग्लैंड, और उनके पॉइंट्स माइनस हुए, एक पॉइंट माइनस हुआ, और बाबर आजम 8वें से 7वें पे आ चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज़ शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से है। वो 18वीं पोजीशन पे थे, 18वें रैंक पे थे, और 18 विकेट लेने के बाद वो 8वें रैंक पे आ चुके हैं। मैंने रिसेंटली कहा भी था फोर्थ टेस्ट के थर्ड सेकेंड टेस्ट के एनालिसिस में जो डे 5 था, मैंने कहा भी था कि होप्स हम टॉप 10 के करीब देखेंगे अब शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब टॉप 10 में आ चुके हैं, और बुमराह जो कि आउट हुए हैं टॉप 10 की रैंकिंग में, और शाहीन टॉप 10 में आ चुके हैं। सो बुमराह और शाहीन का काफ़ी कंपैरिजन भी होता है, और वेल डन शाहीन शाह अफरीदी। ही वॉज दी फास्टेस्ट कह सकते हैं आप, के सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में 18 विकेट्स लेने वाले पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं। इससे पहले मोहम्मद अब्बास का ये रिकॉर्ड था, 17 विकेट्स थी उनके 2 टेस्ट मैचेस में, और उनसे पहले मोहम्मद आसिफ का ये रिकॉर्ड था, 16 विकेट्स थी उनके 2 मैचेस में। सो शाहीन शाह अफरीदी ने उन दोनों को क्रॉस किया, 18 विकेट्स लेने के बाद 18वीं पोजीशन से 8वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। और एक अभी भी सरप्राइज़ ये है कि फवाद आलम की बात करें, फवाद आलम जो कि 3 इनिंग्स खेले हैं, और 3 इनिंग्स में उनके रन्स, एक में तो डक था, 2 इनिंग्स में एक 56 थी, एक 124 नॉट आउट था, और ऑलमोस्ट 90 की उनकी एवरेज थी, और वो 53 रैंक से 21 रैंक पे आ चुके हैं। बहुत ही बड़ा जंप लगाया है, और अगर ऐसी एक दो सीरीज़ और निकल गई तो फवाद आलम को भी हम जल्द ही टॉप 10 में देखेंगे। सो वेल डन पाकिस्तानीज, कुछ हमारे हीरोज़ अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करते हुए अब खुद को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मनवा रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट के जल्दी, खासतौर पे बाबर आजम जल्दी हमें तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 भी नज़र आएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुल्तान टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ।